मेहनत करने वाला कोई भी इंसान कभी मायूस नहीं हो सकता। इस कहावत को सच कर दिखाया है बिजनौर के छोटे से गांव भागुवाला के दिव्यांग गुरुदेव ने। चाय बेचकर और ढाबा चलाकर अपनी जरूरतों को पूरा करने वाले इंसान ने न सिर्फ गांव का नाम रोशन किया है बल्कि अपनी माँ का सर भी फक्र से ऊंचा किया है। मैं पहले से क्रिकेट खेलता था और मुझे क्रिकेट सबसे अच्छा लगता था। मुझे से पढ़ाई भी नहीं होती थी, मैं किसी चीज़ पर फोकस नहीं करता था, बस जो क्रिकेट गेम मुझे बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैंने चुना। मुझे पता चला कि क्रिकेट गेम होते हैं, इसलिए मैंने चुना और मैं आगे चलता रहा। देश का भविष्य बहुत ही उज्ज्वल नजर आता है और एक दिन ये निश्चित तौर पर देश का नाम रोशन करेगा। इसके साथ साथ पूरी दुनिया के पटल पर भागवाला का नाम भी रोशन होगा।